नमस्कार बच्चों, देखो मेरे पास ये 10 रुपए का नोट है और इस पर ये चिन्ह तो दिखाई दे रहा होगा आपको। ये देखो, ये चिन्ह यहाँ भी है, ये चिन्ह भी है। अब प्रत्येक चिन्ह पर ये रुपए का नोट, रुपए का चिन्ह लगता है। एक नया चिन्ह भारत सरकार ने बनाया है। वर्ष 2010 में भारतीय मुद्रा को यह निशान दिया गया। कब दिया गया? वर्ष 2010 में, और भारत सरकार द्वारा 15 जुलाई 2010 को, 15 जुलाई 2010 को रुपए के स्थान पर रुपए लिखने की जगह और ये चिन्ह हम यूज करने लगे हैं। ये चिन्ह मान लिया गया। यह चिन्ह जनवरी 2012 से प्रचलन में आया। जो जनवरी 2012 के बाद नए नोट छपे हैं, सभी पर ये चिन्ह आप देख सकते हैं। ये मेरे पास कुछ पुराने नोट हैं, इनके ऊपर ये चिन्ह नहीं लगा। ये देखो, ये चिन्ह इनके ऊपर नहीं लगा क्योंकि ये पुराने नोट हैं। ये देखो, 5 के ऊपर भी नहीं है। जबकि जो नए नोट हैं हमारे, जो 2012 के बाद बने हैं, सबके ऊपर ये रुपये का चिन्ह पाया जाता है। चलो, आज हम रुपये पैसों को जोड़ना सीखेंगे, एक गतिविधि के माध्यम से ही करेंगे। आप सभी जान चुके हैं कि जब रुपयों में रुपये और पैसों में पैसे मिलाते हैं तो कैसे मिलाते हैं और कैसे करना है आपने। चलो देखते हैं आगे। अब हम करते हैं, ये देखो, ये चिन्ह आपने अपनी कॉपी में बनाना है सुंदर सुंदर, और उसका अभ्यास करना है ऐसे करके। र र का मतलब रुपया, और ऊपर यहाँ से ऐसे करना है। ये रुपये का चिन्ह है, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखो, ये रुपये का चिन्ह है। सब बच्चों, जैसे डॉलर का चिन्ह होता है ना, उसी तरह ये रुपये का चिन्ह है। बड़ा ही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह हो गया रुपये का। अब देखो बच्चों, ये कितने रुपये हैं मेरे पास? 10, 20, 30, 40 और 10, 50। 50 और ये 5, 55। 55 रुपये 50 पैसे, 55 रुपये 50, ये रुपये यहाँ पर पैसे। आप ये भी जान चुके हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ये कितने देखना इनको, 10, 20 और 2, 22 रुपये 50 पैसे, 22 रुपये 50 पैसे। अगर इन दोनों को मिला दें हम, दोनों को जोड़ दें, तो मिला दें, इनको इकट्ठा कर दिया हमने, मिला दिया तो कितने रुपए बनेंगे हमारे पास? देखो, 10 रुपए के नोट में हम 10 रुपए के नोट मिला देते हैं, और ये सारे मिला दिए हमने। देखो, 50 50 पैसे के 2 सिक्के मिलकर कितना बनेगा? 100 पैसे। 100 पैसे का क्या बनता है हमारा? 1 रुपया। तो 1 रुपया जो बन गया, ये पैसे तो बचे ही नहीं कुछ भी, ये तो 1 रुपया आ गया, इसके बदले दिए 1 रुपया आ गया। ये देखो, ये 1 रुपये का सिक्का आ गया, इधर खत्म हो गया। 1 रुपये का सिक्का यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा? पैसे कितने बचेंगे? पैसे कुछ बचे ही नहीं, 0। रुपये कितने हो गए? 1 रुपया ये, 2 ये, 3 और 5 ये, खुले हो गए हमारे पास 8 रुपये। और ये 10 10 के नोट हो गए, गिनते हैं इनको, 1 2 3 4 5 6 7, 5 और 2 7, तो ये 78 रुपये हो गए। इस प्रकार से अपने रुपये पैसों को जोड़ करना है। और देखिए आप सवाल, 20 रुपये 75 पैसे और 15 रुपये 50 पैसे, इनको कैसे जोड़ेंगे? जोड़ना है इनको आपने। चलो जोड़ते हैं। 20 रुपये 75 पैसे कितने हैं? देखो, ये 10 20 और 75 पैसे का मतलब 50 पैसे और 25 पैसे, ये रहा, ये 25 पैसे 75 पैसे हो गए ना। और 15 रुपये कैसे बढ़ेंगे? ये देखो, 10 और 5, 15 रुपये 50 पैसे। ये देखो, ये रहे, इनको दोनों को मिलाना है। पहले हम पैसों में पैसे मिला देंगे, देखो जोड़ देंगे इनको, यानी कि ये देखो, 50 50 पैसे 1 रुपये बन गया ना, 25 पैसे फिर बचेंगे खुले, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा? 5 7 और 5 12, ये 25 पैसे बन गया। और 1 रुपया आगे, 1 रुपये में जाएगा, हासिल बनेगा, यानी कि इनका 1 रुपया आ गया, इनके बदले क्या आ गया? ये 1 रुपया आ गया, ई रहा। तो 1 रुपये में अब रुपये कितने हो गए हमारे में खुले? 6 रुपये। ये 25 पैसे, ये 25 पैसे भी हैं, ये लिख दिए हमने 25 पैसे। और 10 10 के नोट कितने हो गए? 1 2 3, ये 3। इस प्रकार से इनको जोड़कर 36 रुपये 25 पैसे हमारा आ गया। आपने यहाँ एक बात ध्यान रखना है, इसको जब हम करते हैं तो कई बच्चे ऐसे कर देंगे, ये हमारे 125 पैसे बन गए ना। अब क्योंकि 125 पैसे 2 50 पैसे से, 1 रुपया बन गया हमारे 2 50 पैसे से, तो 2 50 पैसे के बदले हमने 1 रुपया ले लिया, रुपये को रुपये में जोड़ दिया, तो यहाँ पर ये
दो आएगा, रुपया एक आगे चला जाएगा। इस प्रकार से आप रुपए पैसे के माध्यम से भी जोड़ की विधि कर सकते हैं। आओ इस अन्य 40 रुपये 50 पैसे और 24 रुपये 50 पैसे जोड़ते हैं। 50 पैसे का सिक्का, 50 पैसे का सिक्का, तो कितना बन गया, 1 रुपया बन गया ना। अब सभी जान चुके हैं 0 यहाँ पे 0, 1 रुपया बनेगा, 1 रुपया आगे जाएगा रुपयों में। 4 और 1 5 रुपया, 4 2 6 रुपये, इस प्रकार से 65 रुपये आ गए। ये बड़ा आसान है, आपने कुछ भी नहीं करना, इसमें सीधा ही जोड़ देना है। भारतीय मुद्रा के बारे में आप समझ ही चुके हैं। हम सबीर के पास 64 रुपये 50 पैसे थे, 64 रुपये 50 पैसे इतने रुपए थे, रुपए कह सकते हैं इनको हम। उन्हें क्या किया, उसके भाई के पास 15 रुपये 25 पैसे थे। बताओ दोनों के पास कुल कितने रुपए हो गए, क्या करेंगे, जोड़ देंगे कुल निकालने के लिए। उसी तरीके से पैसों पैसे जोड़ेंगे, 50 पैसे और 25 पैसे कितने हो गए, 75 पैसे। 5 5 2 7 इस तरह जोड़ सकते हैं, 4 5 9 6 और 1 7 इस प्रकार से भी आप जोड़ कर सकते हैं। दोनों के पास कितने हो गए, 79 रुपये 75 पैसे या 79.75 रुपये। दशमलव की टर्म अगली कक्षाओं में आएगी, हम उसके बारे में आपको बाद में बताएंगे।